स्मालखा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना के चुनाव प्रचार में लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनमोहन भड़ाना के पिता करतार सिंह भड़ाना लगातार जनसंपर्क अभियान के दौरान आम सभाओं में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं उनको 36 बिरादरी का समर्थन भी मिल रहा है, जहां सभी एक मत से यही बात कह रहे हैं कि इस बार स्मालखा विधानसभा में कमल जरूर खिलेगा और बीजेपी से प्रत्याशी मनमोहन भड़ाना भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। स्मालखा में आयोजित जनसभा की अगुवाई कर रहे सुरेश निरंकारी और तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने फूल मालाओं से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करतार सिंह भड़ाना का स्वागत किया। वहीं करतार भड़ाना ने एक बार फिर दोहराया कि मनमोहन भड़ाना स्मालखा हल्के की सेवा करने के लिए आपके मध्य है। जो काम मैं नहीं कर पाया वह आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई मनमोहन भड़ाना जरूर करेगा। वहीं उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि इस बार आपका वोट 100% होना चाहिए। बहुत अच्छा चल रहा है और लोग बहुत जागरूक भी हो रहे हैं और बहुत सारी अगली बार वोटिंग भी होगी भर भर के बीजेपी की तरफ। साइलेंट वोटर्स भी बहुत हैं, लोग अपना पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। क्या अपील करेंगे सर चैनल के माध्यम से? मैं जनता से यही अपील करूंगा, अपने भाई को अपने बच्चे को आशीर्वाद देके उसकी ड्यूटी लगाएं और अपनी सेवा का मौका दें। अपने कार्य कराने के लिए उसकी ड्यूटी लगाएंगे तो वो करके आएगा, क्योंकि उसे अपने लिए नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए अब तो स्मालखा के लिए उसे चाहिए। जो भी करेगा स्मालखा के लिए करेगा और स्मालखा हल्के का सम्मान बढ़ा के आएगा, कभी घटने नहीं देगा। और जो कोई इस स्मालखा की तरफ बुरी नज़रों से देखेगा तो उसको देखने नहीं देगा। सर जिस तरीके से जन समर्थन मन्नू को मिल रहा है, मनमोहन भड़ाना को मिल रहा है और आपने भी जो है इस क्षेत्र के अंदर दो एक बार मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन जिस तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है उसको लेकर आपका क्या कुछ आपने? देखिए मैंने जो सेवा की और मैं देखना भी चाहता था कि मेरे अपनों में मेरे प्रति कितना भाव है, तो वो दिखा दिया कि प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, भाव के बदले भाव मिलता है। मैंने जितना भाव किया है, जितना मैंने अपनों के लिए काम किया है, जो उनका सम्मान किया है उसके लिए वो मुझे उससे कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, मेरे बेटे को भी और मुझे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस तरीके से यंग बच्चे जो है जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, जो स्टूडेंट हैं जिनकी वोट है उनका वोट प्रतिशत घट रहा है, तो उनको कुछ अपील करना चाहेंगे? वो भागीदारी कम रखते हैं चुनाव के अब की बार, उनको यही अपील है कि अपने भाई को बनाना है स्मालखा का अच्छा कोई विधायक लाना है या सेवक लाना है तो सबको मिलके कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा और वोट को 90% तक ले जाना पड़ेगा। ये मेरी अपील भी है बच्चों से कि जब तक वोट ना गिर जाए जब तक चाय भी नहीं पीनी है, ऐसी मेरी प्रार्थना। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।